हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोमेंट बाइट टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ नीट एग्ज़ाम और चैप्टर कौन सा रहेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर टू इलेवेंथ ऑफ एन का क्लासीफिकेशन so, है इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी तक हमने प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनकी वीडियो अपलोड कर दिए यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आप वो वीडियो देख सकते हैं तो बने रहिए आज की वीडियो में आप मेरे साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन क्वेश्चन क्या है कि क्राइसोफाइट्स ऑफ आइट्स डाइनम फिलोजेलैट एंड सिलाई मोल्स आर इंक्लूडेड इन दी किंगडम जो क्राइसोफाइट जो होते हैं यूगलिनइ्स एंड डाइनोफिलोजिलाइट्स और सिलाई मोल्स कौन से किंगडम में इंक्लूड हैं ये क्वेश्चन पूछा है और इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटिस्टा क्वेश्चन नंबर जो फिफ्टी बने कर, का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रोटिस्टा क्योंकि जितने भी ऑल ऑल यूनिसेलुलर यूकोरेट्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस में इंक्लूड हो इंक्लूड होते हैं प्रोटिस्टा किंगडम में तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन का करेक्ट आंसर क्या है बी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू क्या है कि इन बीच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़ द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स बिच फिट टूगेदर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी क्या पूछा है कि वह ऑर्गेनिज़ जिसमें जो सेल वॉल्स जो होती है वो टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स से क्या होती है बनी होती है और तो ये किस में प्रेजेंट होती है आपसे क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन नंबर जो 52 है इसका करेक्ट आंसर होगा डी क्राइसोफाइट्स जो प्रोटिस्टा के क्राइसोफाइट ग्रुप है उसमें सेलवास जो होती है टू थिन लेयर्स सेल्स जो होती हैं उनसे ओवरलैपिंग होती है और क्राइसोफाइट में भी ये प्रेजेंट होती है डाई एटम्स में किस में होती है डाई एटम्स में ये प्रेजेंट होती है और इसी कारण जो डाई एटम्स की बॉडी है वो हमें सॉप बॉक्स सॉप बॉक्स के सामान दिखाई देती है किसके सामान दिखाई देती है सॉप बॉक्स के सामान दिखाई देती है तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू का करेक्ट आंसर क्या है डी नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री इन दी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला है बीन इंक्लूडेड इन जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो है ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन से किंगडम में इंक्लूड है ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ये प्लांटी किंगडम में क्या है इंक्लूड है कभी कभी क्या है कि इस क्वेश्चन को देख के हम सर इसका आंसर क्या लगा देते हैं एलगी लगा देते हैं लेकिन ये इसका आंसर नहीं है एलगी नोट ए किंगडम ये किंगडम ये किंगडम नहीं है तो इसलिए एलगी इसका सही आंसर नहीं होगा इसका जो सही आंसर हो होगा सी प्लांटी। नेक्स्ट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूक्रेटिक सेल निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो यूक्रेटिक सेल्स का एग्जांपल नहीं है ऑप्शन ए है आपके पास पैरामीशियम कोडेंटम ऑप्शन बी है, है आपके पास यूगलीना वायरिट्स और ऑप्शन डी है अमीबा प्रोटियस तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इस्टेराकोलाई यानी इकोलाई जो है ये क्या होता है बैक्टीरिया और बैक्टीरिया सब सारे किस में इंक्लूड होते हैं मोनेरा किंगडम में और मोनेरा किंगडम में वही ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जितने भी प्रोकैरियोट्स जो ऑर्गनिज्म किस में इंक्लूड है मोनेरा किंगडम में तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव क्वेश्चन नंबर 55 क्या पूछा कि सिंगल सेल यूक्यट्स आर इंक्लूडेड इन जो सिंगल सेल यानी कि एकल कोशी का यूक्यूट किसमें इंक्लूड है तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटिस्टा जितने भी यूनिसेलर या सिंगल सेल्स यूक्यट्स जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे इंक्लूड है प्रोटिस्टा किंगडम में तो क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी कि बिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिलाई मॉल्स निम्न में से कौन सा सिलाई मॉल्स है ये क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट आंसर होगा फाइ सेरम जो फाइसेरम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि जो थाबेसलैस है ये होता है बैक्टीरिया और राइजोफस ये क्या है फंजाई और एनाबीना होता है एक बीच ये यानी कि ब्लू ग्रीन एल होता है तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन क्या पूछा है कि दी थैलॉड बॉडी ऑफ ए मोल्ड मिग्जोमाइसिटीज इज़ नाउ एज़ जो सिलाई मोल्ड्स जो होते हैं इनकी थैलोय बॉडी को जो थैलोड जो बॉडी होती है उसको क्या बोलते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा प्लाज्मोडियम क्या होगा करेक्ट आंसर प्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम जो बनते हैं सिलाई मोल्ड्स में ये बनती है इसमें फेवरल कंडीशन जो होती हैं उसमें प्लाज्मोडियम और बनती हैं और अनफेवरल कंडीशन में प्लाज्मोडियम क्या हो जाती है ब्रेक डाउन हो जाती है और जिससे स्पोर का जिसके कारण इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी है उसका निर्माण होता है तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट क्या है कि ऑग्जोपोर्स एंड हॉर्मोसिस्ट आर फाउंड रेस्पेक्टिवली बाई जो ऑग्जोस्पोर एव एं, एवं हॉर्मोसिस्ट जो होते हैं वो किस में बनते हैं ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी सेवरल डाइटम्स एंड फ्यू साइनोबैक्टीरिया जो है इनमें ऑग्जो स्पोर एंड और जो बनते हैं सेवरल डाइटम्स एंड और जो हॉर्मोसिस्ट जो बनते हैं ये बनते हैं साइनोबैक्टीरिया में जो कुछ फ्यू फ्यूज साइनोबैक्टीरियम में बनते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो फिफ्टी एट है इसका करेक्ट आंसर होगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन का इन अमीबा एंड पैरामीशियम ओसमो रेगुलेशन ओकर थ्रू जो अमीबा एंड पैरामीशियम जो होते हैं इसमें ओसमो रेगुलेशन किसके द्वारा होता है यह क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा सी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है उसके द्वारा अमीबा और पेरामीसिया में ओसमो रेगुलेशन होता है क्योंकि जो कॉन्ट्रेक्टाइल जो वैक्यूल हो ये होती है वाटर बैलेंस को बनाए रखती है ये वाटर बैलेंस जो होता है उसको बनाए रखती है तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी क्या है कि बिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गनीज पोसेज करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ ए प्लांट एंड एनिमल निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट एंड एन एनिमल्स दोनों के करैक्टरिस्टिक रखता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूगलिना क्योंकि युगलीना जब सनलाइट की प्रेजेंस होती है तो ये प्लांट की तरह बिहेव करता है और एबसेंस ऑफ सनलाइट बिहेव लाइक एनिमल्स तो इसलिए यूगलिना को हम प्लांट एंड एन एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन क्या है कि दी फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्ट्राइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ इज प्रोटोजोआ में जो कॉन्ट्रेक्ट्रायल वैक्यूल जो होती है उसका फंक्शन क्या है उसका कार्य क्या है तो इसका आंसर होगा ओस्मो रेगुलेशन जो कॉन्ट्रेक्ट्रायल जो वैक्यूल जो होती है उसका जो कार्य होता है प्रोटोजोआ -ja में वो होता है ओसमो रेगुलेशन क्योंकि जो कॉन्ट्रेक्टाइल जो वेकिल जो होती है ये रिमूवल एक्सेक्ट्री सफेस और वाटर रेगुलेटिंग को बनाए रखती है जो यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करती है और जो वाटर जो होता है उसको बैलेंस जो है बनाए रखती है तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू टू क्या है कि मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस आर दी करक्टिक फीचर ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स टू के पूछा कि जो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस हैं ये किसके करेक्टरिस्टिक होते हैं तो मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं पैरामीशियम एवं में जो पैरामीशियम एवं वर्टिसला में ये प्रेजेंट होते हैं और जो मैक्रो जो न्यूक्लियस जो होता है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है एबसेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें क्या होती है एबसेंट होती है और ये जो बना होता है जो मैक्रो न्यूक्लियस जो बना होता है ये बना होता है ट्रोफोक्रोमेटीन का किसका बना होता है ये बना होता है ट्रोफो क्रोमेटीन का ये बना किसका बना होता है ये बना होता है ट्रोफोक्रोमेटीन का इसलिए इस न्यूक्लियस को न्यूक्लियस भी कहते हैं इसलिए इस न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं ट्रोफो इसलिए इसको न्यूक्लियस भी कहा जाता है और मैक्रो जो न्यूक्लियस जो होता है इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है उसको नियंत्रित करना उसको रेगुलेशन करने में मैक्रो न्यूक्लियस हेल्प करता है और माइक्रो न्यूक्लियस जो है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसमें क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और ये जो एक्टिविटी जो है यानी जेनेटिक एम रिप्रोडक्टिव जो एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है और ये प्रेजेंट होता है पैरामीशियम एंड वर्टिसला में मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यानी कि इसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं पैरामीशियम एंड वर्टिसला में तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू का करेक्ट आंसर क्या होगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री क्या है कि एक्सक्रेशन इन अमीबा ऑकर थ्रू यानी कि अमीबा में जो एक्सक्रेशन यानी कि उत्सर्जन होता है वो किसके थ्रू होता है तो इसका आंसर होगा डी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल जो है उसके थ्रू अमीबा में एक्सक्रेशन होता है तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री का करेक्ट आंसर होगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर और क्या है कि प्रोटी स्टन जीनोम हैज यानी कि प्रोटी स्टन जीनोम होता है ये आपसे क्वेश्चन पूछा है जो प्रोटी स्टन यानी प्रोटिस्टा के लिए बात कर रहा है ये क्या होते हैं ये होते हैं यूकेरियस क्या होते हैं यूक्रेट्स होते हैं और इनका जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित होता है कंडेंस होता है और इनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन क्या है प्रेजेंट होती है तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियो प्रोटीन्स इंबेडेड इन साइटोप्लाज्म यानी कि जो मेम्ब्रेन बाउंड जो न्यूक्ो प्रोटीन्स इम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर का नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव का कि प्रोटिस्ट ऑप्टेन फूड एज यानी कि जो प्रोटिस्टा जो होते हैं वो फूड को किस प्रकार प्राप्त करते हैं तो इसका आंसर होगा ए ये फोटोसिंथेसरी सिम्बायोटिक एंड होलोट्रॉफ्स इन प्रकार से फूड को ऑपटेन करते हैं यानी प्राप्त करते हैं तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव का करेक्ट आंसर होगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स का कि प्रोटिस्टा इंक्लूड यानी कि प्रोटिस्टा में शामिल है यह आपसे क्वेश्चन है ऑप्शन है हाइड्रोट्राफ्ट ऑप्शन बी है कीमो हाइड्रोट्रॉफ्ट ऑप्शन सी है कीमो ओटोट्रोफ ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबाव तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स जो है इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबाव जो प्रोटिस्टा होते हैं वो हैट्रोट्रॉफ भी होते हैं कीमोहाइड्रोट्रॉफ भी होते हैं और कीमो ओटोट्रॉफ भी होते हैं तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन सेवन क्या पूछा कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज़ डू टू यानी कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो डिजीज़ है वो किसके कारण होती है तो ये होती है ट्रिप्नोसोमा ये होती है ट्रिप्नोसोमा ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस गैम्बियंस के द्वारा होती है और इसका जो वेक्टर होता है वो होता है सी फिलाई क्या होता है सीसी फ्लाई होता है और सी सी का साइंटिफिक नेम होता है वो होता है गिलोशीना यह होता है गिलोशीना पलपेलिस पलपेलिस होता है तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी ट्रिप्नोशोमा गैम्बियनसी और ट्रांसमिटेड बाय गिलोसिना पलपेलिस तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन का करेक्ट आंसर क्या है सी नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एच का है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन पैरामीशियम इज कंटेंट इन यानी जो पैरामीशियम जो है उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस में कंटेंट होती है किस में प्रेजेंट होती है तो पैरामीशियम जो है इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं एक तो होता है माइक्रो न्यूक्लियस एंड एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस होते हैं जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कंटेंट होती है माइक्रो न्यूक्लियस में होती है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए माइक्रो न्यूक्लियस और वेजिटेटिव एंड वेजिटेटिव और मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ी जो कंट्रोल की जाती है वो की जाती है मैक्रो न्यूक्लियस तो से तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट का करेक्ट आंसर होगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन क्या कि बीच इज ट्रू डू अबाउट ट्रिप्नोसोमा में से ट्रिप्नोसोमा के लिए कौन सा सत्य है ये क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए ट्रिप्नोसोमा जो है पोलीमोरफिक होता है क्योंकि इसके लाइफ साइकिल में कई स्टेज कई स्टेज को ये शो करता है अपनी लाइफ साइकिल में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेसमेनिया लेसमेनिया और इसके साथ और भी स्टेज है जैसे लेप्टोमोनार्ड जैसे लेप्टोमोनार्ड एंड क्राईड्यूडियल एंड क्राई ट्यूडियल एंड ट्रिपनोसोमल एंड ट्रिपनो सोमल इस प्रकार की स्टेज अपनी लाइफ में लाइफ साइकिल में शो करता है इसलिए ये क्या कहलाता है पोलीमोर्फिक कहलाता है तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवनटी क्वेश्चन नंबर सेवनटी क्या है कि प्लास्मोडियम द मलेरिया पैरासाइट बिलोंग टू क्लास क्वेश्चन नंबर सेवनटी क्या पूछा है कि जो प्लासमोडियम जो होता है ये मलेरिया पैरासाइट होता है और किस क्लास से ये बिलोंग करता है तो क्वेश्चन नंबर जो सेवनटी है इसका करेक्ट आंसर होगा सी ये में से बिलोंग करता है तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन वन क्या है कि दैजल ऑर्गनिज फॉर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस क्वेश्चन नंबर सेवनटी वन का पूछा जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ है वो किस ऑर्गेनिज्म के कारण होती है अभी अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन जो आया था उसमें हमने देखा था कि जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो डिजीज़ है ये होती है ट्रिप्नोसीमा गैम्बियसीस से किससे होती है ट्रिप्नोसीमा गैम्बियसीस से ये होती है और इसका वाहक क्या होता है इसका वाहक होता है सी सी फ्लाई क्या होता है वाहक क्या होता है इसका सी सी फ्लाई इसका वाहक होता है तो क्वेश्चन नंबर सेवनटी वन का क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू क्या है कि दी वैक्टर फॉर स्लीपिंग सिकनेस इज यानी कि स्लीपिंग सिकनेस का वाहक वेक्टर क्या होता है तो इसका आंसर होगा बी सी सी फ्लाई इसका क्या होता है वेक्टर होता है और क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री क्या है कि ट्रिपनोसोमा बिलोंग्स टू क्लास ट्रिपनोसोमा किस क्लास से बिलोंग करती है यह क्वेश्चन आपसे पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी जू फिलेजिलेटा जू फिलेजिलेटा ट्रिप्नोसोमा क्या करती है बिलोंग करती है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और क्वेश्चन नंबर सेवनटी फोर क्वेश्चन नंबर सेवनटी फोर क्या पूछा है कि ए बाइट ऑफ सीसी फ्लाई मे पास टू ह्यूमंस यानी कि जो सी सी फिलाई है उसके काटने पर मानव तक जो वहाँ ये क्या पहुँचा सकता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रिपनोसोमा गेम्बसी क्योंकि जो सी सी फ्लाई जो होती है ट्रप्पनोसोमागैम्बियनसी का वाहक होती है जो स्लीपिंग सिकनेस की डिजीज पैदा करती है तो क्वेश्चन नंबर 74 फोर का करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 फाइव क्वेश्चन नंबर 75 फाइव क्या है कि दी इफेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम डेट इंटर्स ह्यूमन बॉडी इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव का पूछा कि मलेरिया जो है ये पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम के लिए वो कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज है जो ह्यूमन में इंटर करती है जिसके कारण प्लाज्मोडियम होता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी स्पोरोजोइट इस्पोरोजोइट वह स्टेज होती है जो मलेरिया पैरासाइट की जो हु में मलेरिया उत्पन्न करती है तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव का करेक्ट आंसर क्या है बी नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स क्या है कि वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल्स ऑफ मोस्ट फंजाइज यानी कि जो मोस्ट ऑफ़ द फंजाइज जो होती है उनकी जो मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल होता है वो क्या होता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए जो फनजाई की सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है काइटीन से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवनटी सेवन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन का है कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ऑप्शन ए है साइन बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एलगी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है जो साइन बैक्टीरिया हम उनको बीजिए यानी कि ब्लू ग्रीन एलगी बोलते हैं ऑप्शन बी है गोल्डन एलगी आर आल्सो कॉल्ड डेसमिट जो गोल्डन एलगी है उनको हम डेसमिट बोलते हैं ऑप्शन बी भी राइट है ऑप्शन सी है यू बैक्टीरिया आर ऑलसो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया ये ऑप्शन क्या हो जाएगा रॉन्ग जो यू बैक्टीरिया होते हैं इनको हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं क्या बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं यानी सत्य जीवाणु बोलते हैं तो क्वेश्चन सेवन सेवन का करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है क्वेश्चन नंबर सेवनटी एट क्वेश्चन नंबर सेवनटी एट क्या है बिच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट न्यून में से कौन सा करेक्टली मैच है ये क्वेश्चन है फर्स्ट वाला क्या दे कि अल्टरनेरिया ये क्या करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एबसेंट होता है और ड्यूट्रोमाइसिटीज जो ग्रुप है उसमें प्रेजेंट होता है तो ऑप्शन जो फर्स्ट वाला है यही सही है क्योंकि अल्टरनेरिया क्या है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है एबसेंट होता है और ड्यूट्रोमाइसिटीज जो ग्रुप है उसमें प्रेजेंट होता है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन क्या कि ट्रू न्यूक्लियस इज एबसेंट इन जो ट्रू न्यूक्लियस है वो किस में एबसेंट होता है हम सभी जानते हैं जो ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो एबसेंट होता है प्रिकोरियट्स कोशिकाओं में जो प्रिकोरियट सेल्स जो होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस एबसेंट होता है तो क्वेश्चन नंबर जो सेवनटी नाइन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा डी क्योंकि एना बीना जो है ये क्या है एक बीजिए है ब्लू ग्रीन एल गी है और इसको इंक्लूड किया गया है मोनेरा किंगडम में और मोनेरा किंगडम में सभी प्रोकोरेटिक सेल्स को इंक्लूड किया गया है तो क्वेश्चन नंबर जो सेवनटी नाइन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटी क्वेश्चन नंबर एट्टी क्या है कि द इम परफेक्ट फंजाई बिच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लीटर एंड हेल्प इन मिरनल साइकिलिंग बिलोंग्स टू क्वेश्चन नंबर एट्टी क्या पूछा कि जो अपूर्ण फनजाई जो होती है यानी इनपरफेक्ट जो फनजाई होती है वह कूड़े के अपघाटा के अंदर डिकम्पोजर और मिनरल साइकिल में क्या करती है हेल्प करती है ये किससे संबंधित है तो इम जो फंजाई होती है ये बिलोंग करती है डिट्रोमाइसिटीज से तो क्वेश्चन नंबर एटी का करेक्ट आंसर होगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट्टी वन क्वेश्चन नंबर एटी वन क्या है कि चूज दी रॉन्ग स्टेटमेंट न्यून में से गलत स्टेटमेंट को चुनिए ऑप्शन ए है न्यूरोस्पोरा इज यूज इन स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स जो न्यूरोस्पोरा है उसको बायोकेमिकल जेनेटिक्स की स्टडी के लिए यूज़ कहता है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है क्योंकि न्यूरोपोरा जो है इसको हम इसको न्यूरोपोरा को हम ऑफ प्लांट प्लान्ट ड्रोसोफिलाी कहते हैं जैसे एनिमल्स में ड्रोसोफिला पर जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रयोग किए गए थे इसी प्रकार प्लांट में न्यूरोपोरा पर बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया था जेनेटिक्स के ऊपर तो क्वेश्चन ऑप्शन जो है ए ये बिल्कुल राइट है ऑप्शन बी क्या है कि मोरल्स एंड ट्रफ़ल्स आर पॉइजनस मशरूम ऑप्शन बी रहोगे क्योंकि जो मोरल्स एंड ट्रफ़ल्स जो होते हैं ये होते हैं इडेबल ये इडेबल फनजाई होती हैं ना कि पॉइजनस मशरूम तो जो 81 वन है इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बी ऑप्शन सी है इस्टज एसेलुरर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन ऑप्शन सी भी राइट है और डी क्या है कि पेनीसीलियम इज ए मल्टी सेलुरर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक ऑप्शन डी भी राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता है क्वेश्चन नंबर एट्टी टू क्वेश्चन नंबर एट्टी टू क्या पूछा है कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेंस हेलोसिनोजिनस यानी निम्न में से कौन सी फंजाई जिसमें हेलोसिनेजन क्या होता है कंटेंट्स होता है हेलोसिनेजन जो है ये yes, सेवरल जो मशरूम जो होती है मशरूम इस्पीसीज़ उनमें कंटेन होता है जैसे मशरूम स्पीसीज़ की जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर अमानिटा, अमानिटा मस्कुरिया मस्कुरिया और एग्ज़ाम्पल है सिलोसाइब मेक्सिकाना, सिलोसाइब मेक्सिकाना भी इसका एग्ज़ाम्पल है और ये जो हेलोसिनोजन उत्पन्न करती है वो क्या होता है सिलोसाइबिन क्या होता है सिलो सिलोसाइबिन एंड सिलोसिन सिलोसिन ये हेलोसिनोजन उत्पन्न करती है ये। और ये जो हेलोसिनोजंस जो होते हैं ये ब्रेन सेल को ये जो ब्रेन सेल जो होती है उसको नष्ट कर देते हैं तो क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर होगा बी अमानिटा मस्कुरिया जो कि मशरूम की स्पीसीज होती है यह हेलोसिनोजन को क्या है उत्पन्न करती है तो क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर क्या है बी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 थ्री बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंजाइ निम्न में से कौन सा फंजाई के लिए सत्य है ऑप्शन ए है दे आर फेगोट्रॉप्स तो ये ऑप्शन रोगे ये फेगोट्रॉफ्स नहीं होती है ऑप्शन बी है दे लैक ए रिजिड सेल सेलवाल इनमें रिजिड सेल सेलवाल एपसेंट होते हैं ये ऑप्शन भी क्या होगा रॉन्ग इनमें सेल वाल प्रेजेंट होती है ऑप्शन सी है दे आर हेड्रोट्रॉफ तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है जो फनजाई जो होते हैं वो हैड्रोट्रॉफ होते हैं ऑप्शन डी है दे लैक न्यूक्लियर मैमरेट इनमें न्यूक्लियर मैमरेट प्रेजेंट होती है तो ये ऑप्शन भी क्या होगा रॉन्ग तो क्वेश्चन नंबर एटी थ्री का करेक्ट आंसर क्या है सी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटी फोर क्वेश्चन नंबर एटी फोर का है कि मैमब्रेन बाउंड ऑर्गनल्स आर एबसेंट इन कि यानी कि जो मैमब्रेन बाउंड जो ऑर्गनल है वो किस में एबसेंट होते हैं तो मेमब्रेन बाउंड जो ऑर्गनल जो एबसेंट होते हैं वो होते हैं प्रक्योर जो सेल्स होते हैं वहाँ पर एबसेंट होते हैं तो इनमें से ऑप्शन ए बी सी डी में से देखते हैं कौन सा प्रिक्योरेट्स है सेक्रोमाइसिस सेक्रोमाइसिस क्या होता है एक फनजाई होती है तो ये क्या होती है यूकोट्स क्लेमाइडोमोनास क्या ये एक एल ये और किस में शामिल है यूकोट्स में और प्लाजमोडियम क्या है एक प्रोटोजोआ होता है जो कि एक प्रोटिस्टा है और किस में शामिल होता है यूकैरियोट्स में और ऑप्शन बी क्या है कि स्टेप्टोकोकस क्या होता है बैक्टीरिया जो कि मोनेरा किंगडम में शामिल होता है और क्या होता है प्रोकैरियोट्स तो इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गनन्स होते हैं वो क्या होते हैं एब्सेंट तो क्वेश्चन नंबर एटी फोर जो इसका है इसका करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन करो पड़ता है क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव क्या है कि बिच वन इज दी रॉन्ग पेयर फॉर द डिजीज एंड इट्स कैजुअल ऑर्गेनिज्म यानी कि रोग और रोग कारक जीव का कौन सा जो पेयर है जो क्या है कि मिसमैचड है यानी कि सही नहीं मिला गया है यहाँ से क्वेश्चन है तो 85 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा डी लेट ब्लाइट ऑफ फोटेटो ये जो डिजीज होता है ये होता है फाइट ऑफ तेरा इनफेस्टेंस जो फन जाइए उसके द्वारा होता है किसके द्वारा होता है फाइट एप फाइट ऑफ थोड़ा इन फेस्टेंस जो फन जाइए उसके द्वारा ये होता है तो क्वेश्चन नंबर एटी फाइव का करेक्ट आंसर होगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स क्वेश्चन नंबर 86 क्या है कि बिच पेयर ऑफ बिलोंग्स टू निम्न में से कौन सा पेयर बेसिटो में से बिलोंग करता है तो इसका आंसर होगा डी बर्ड्स स्नेट फंजाई एंड पफ बॉल जो होती से बिलोंग करती है तो क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स का करेक्ट आंसर क्या है डी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और क्वेश्चन नंबर एटी सेवन क्वेश्चन नंबर एटी सेवन क्या है इरगोट ऑफ राई इज केस्ट बाय ए स्पीसीज ऑफ यानी कि जो इरगोट ऑफ राई जो डिजीज है वो किसकी स्पीसीज से होता है तो इसका आंसर होगा सी क्लेबी जो क्लेजी की पर पोरिया जो पर पूरिया जो स्पीसीज है उसके कारण इर्गोटोफ्राई होता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ता है क्वेश्चन नंबर एटी एट क्वेश्चन नंबर एटी एट क्या दिया हुआ है बिच ऑफ द फॉलोइंग एन्वायरमेंटल कंडीशंस आर एसेंशियल फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ म्यूकर ऑन ए पीस ऑफ ब्रेड क्वेश्चन नंबर एट्टी एट क्या पूछा है कि कौन सा इन्वायरमेंट कंडीशन कौन सा इन्वायरमेंट कंडीशन जो म्यूकर जो है उसके लिए पीस ऑफ ब्रेड पर पीस ऑफ ब्रेड पर ग्रोथ करने के लिए ऑप्टीम ऑप्टीम ग्रोथ करने के लिए क्या हो एसेंशियल हो ये क्वेश्चन है तो म्यूकर क्या होता है म्यूकर होता है एक फनजाई म्यूकर क्या है ये फनजाई होता है और मोस्ट ऑफ दी जो फंजाई होती है उनके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ग्रोथ करने के लिए वो होता है 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसके लिए ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी मोस्ट ऑफ दी ह्यूमिडिटी में ग्रो करते हैं फंजाई जो है और ये सेडी एरिया यानी कि जो छायादार जो एरिया होते हैं वहाँ पर ज़्यादा ग्रो करते हैं तो देखते हैं ए बी सी डी ई एफ में से कौन सा इनमें से सही है ए क्या दिया कि टेम्परेचर ऑफ अबाउट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड तो ए जो है म्यूकर के लिए बिल्कुल राइट है क्योंकि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो पंद्रह से तीस डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है तो ऑप्शन जो ए जो है वो बिल्कुल राइट है तो ए किस में दिया है ऑप्शन ए में दिया है और ऑप्शन डी में तो बी और सी क्या हो गया रॉन्ग हो गए और बी क्या है कि टेम्परेचर ऑफ अबाउट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड तो ये क्या ये तो रॉन्ग है क्योंकि ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड होता है ऑप्शन और सी क्या है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अबाउट फाइव प्रतिशत जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए कम नहीं होनी चाहिए ये भी क्या होगा ये भी सही नहीं है तो सी जिसमें है उसको भी हम हटा देते हैं सी किस में डी वाले में तो बच गया ए वाला ए जो है ये ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा ए डी ई e. e क्या जो है एस ए डी प्लेस तो ए ए डी जो है और ई e जो है ये क्वेश्चन नंबर 88 के लिए करेक्ट हो जाएगा तो ऑप्शन ए है ए में ये दिए हुए हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन नंबर 89 क्या पूछा कि वायरस एज डेट इफ इनफेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड कैस दियर लाइसिस आर कॉल्ड यानी कि वे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके उसमें मल्टीप्लाई एवं लाइसिस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं ये क्वेश्चन पूछा है आपको बता दें कि वह वायरस जो बैक्टीरिया होस्ट जिनोम में इंटीग्रेट होते हैं यानी बैक्टीरिया होस्ट जिनोम में प्रवेश करते हैं इंटीग्रेटेड होते हैं उनको बोलते हैं हम लाइसोजेनिक वायरस उनको क्या बोलते हैं लाइसोजेनिक वायरस और वह वायरस जो डीएनए को बैक्टीरिया के सेल में ट्रांसफ़र करते हैं और वहाँ पर अनेक वायरस फॉर्म होकर अनेक वायरस बनकर लाइसिस द्वारा बैक्टीरिया को बैक्टीरिया जो उसको ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन कर करने के पश्चात जो बाहर निकलते हैं उसको बोलते हैं हम लाइटिक वायरस तो क्वेश्चन नंबर एटी नाइन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा सी लाइटिक एटी नाइन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी लाइटिक और जो लिपोलाइटिक जो होता है ये होता है एक एंजाइम जो लिपिड एम फैट को पचाने में हेल्प करता है लाइसाइम एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है ये सिलाईवा में प्रेजेंट होता है और लाइसोजेनिक क्या होता है लाइसोजेनिक आप बता दें कि वह वायरस जो बैक्टीरिया होस्ट जिनों में इंटीग्रेटेड होते हैं उसको क्या बोलते हैं लाइसोजेनिक तो क्वेश्चन नंबर एट्टी नाइन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर नाइनटी क्या है कि माइकोराइजा रिप्रेजेंट माइकोराइजा क्या रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है सिम्बायोसिस सहजीवी संबंध को रिप्रेजेंट करता है जो फंजाई एंड हायर प्लांट्स ऑफ रूट्स के मध्य होता है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन क्या है कि बिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स टॉक्सिन ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन क्या है निम्न में से कौन सा क्रॉप प्लांट्स के स्टोरेज के समय टॉक्सिन सीक्रेशन करता है तो इसका आंसर होगा एस्परजिलस ए जो है एस्परजिलस जो है क्रॉप के स्टोरेज के समय जो क्या है कि टॉक्सिन सिक्रेशन करता है और एस्परजिलस जो एस्परजिलस फ्लेवर्स जो मेनली जो सिक्रेशन करते हो क्या होता है एसपर्जिलस फ्लेवस जो है इसका सिक्रेशन करता है और एसपर्जिलस जो फ्लेवर्स जो है ये क्या है कार्सिनोजन फंगस होता है जो ये टॉक्सिन स्रावित करता है उसको बोलते हैं हम टॉक्सिन क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं अफलाटोक्सन तो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू क्या कि बिच फंगल डिजीज स्प्रेड्स पाई सीड एंड फ्लावर्स नी उनमें से वो कौन सी फंगल डिजीज है जो सीड एंड फ्लावर्स के द्वारा फैलती है तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाइन्टी टू का लूज सीमट ऑफ बीट जो लूज सीमट ऑफ बीट जो होता है ये डिजीज जो है ये फैलती है सीड एंड फ्लावर्स के स्प्रेड से फैलती है तो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री है कि प्लांट डिकम्पोजर्स आर यानी कि पादप अपघटक होते हैं पादप अपघटक यानी प्लांट डिकम्पोजर्स होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया एंड फनजाई और बैक्टीरिया किस में इंक्लूड होते हैं मोनेरा किंगडम में मोनेरा किंगडम में इंक्लूड होते हैं तो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री है जो इसका करेक्ट आंसर होगा ए मोनेरा एंड फनजाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर क्या है कि एडेसिव पैड ऑफ फनजाई Penetrates the होस्ट विद दी हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर क्या है कि जो फंजाई के एडेसी पेड जो होते हैं वह है होस्ट को किसकी सहायता से पेनेट्रेट्स यानी कि विभेदन करता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए मैकेनिकल प्रेशर एंड एंजाइम्स के द्वारा होस्ट जो होता है उसको पेनेट्रेट्स करता है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का और क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव क्या है कि ए गुड ग्रीन मैनूअर इज इन राइस फील्ड इज़ यानी कि जो राइस फील्ड यानी राइस के खेत जो होता है उसमें सबसे अच्छा ग्रीन खाद कौन सा होता है यानी ग्रीन मेनूअर कौन सा होता है इसका आंसर होगा बी एजोला एजोला क्योंकि ये होता है बी जी ये होता है बीजिए और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है तो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव का करेक्ट आंसर होगा बी एजोला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स इन फंजाई स्टोरेड फूड मटेरियल इज फंजाई में जो स्टोरेड फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है इसका आंसर होगा ए ग्लाइकोजन जो फंजाई में जो स्टोरेड जो फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन फॉर्म में क्या होता है स्टोरेज होता है तो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ए और ग्लाइकोजन किसका पोलीमर होता है ये होता है ग्लूकोज का ग्लूकोज का ये पोलीमर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन को पड़ता है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन का है कि ब्लैक रस्ट ऑफ बीट इज कैस्ट बाई जो ब्लैक रस्ट ऑफ बीट जो होता है वो किसके द्वारा होता है तो क्वेश्चन नंबर जो नाइन्टी सेवन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ए ये होता है पक्सिन या ग्रे मिनिस द्वारा किसके द्वारा पक्सिन या ग्रे मिनिस द्वारा ये होता है ब्लैक रस्ट ऑफ बीट तो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट पक्सीनिया फॉर्म यानी पक्सीनिया क्या बनाता है जो पक्सीनिया जो है अपनी लाइफ साइकिल जो है टू होस्ट में कंप्लीट करता है एक होस्ट होता है इसमें बीट प्लांट बीट प्लांट एंड एक होता है बारबेरी एक होता है बारबेरी प्लांट ये दो प्लांट पे अपने जो लाइफ साइकिल है उसको पूरा करता है और जो बीट प्लांट्स होता है इसमें ये दो प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं यूरेडिया जिसको बोलते हैं ये एक वो, वो यूरेडिया इस्पोर एंड सेकंड वाला होता है टेलिया इस्पोर क्या होता है टेलिया इस्पोर और ये प्रोड्यूस होता है बीट की लीव्स पर तो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा बी यूरेडिया एंड टेलिया ऑन बीट लीव्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन क्वेश्चन नंबर नाइनटी नाइन क्या है कि माइक्राइजा इज माइकोराइजा है माइक्रोइ क्या होता है कि एक सिम्बायटिक एसोसिएशन होता है ऑफ प्लांट रूट्स एंड सर्टेन फनजाई तो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन जो इसका करेक्ट आंसर ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर हंड्रेड क्या है कि बिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच निम्न में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी करोड बार ले जो होता है ये होता है अस्टीलेगो हॉर्डी ये होता है ऑस्ट्रेलिया को हॉर्डी के द्वारा होता है ना कि ऑस्ट्रेलिया को नोडो द्वारा तो क्वेश्चन नंबर हंड्रेड जो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ये थे आज के क्वेश्चन फिफ्टी वन से लेकर हंड्रेड क्वेश्चन और इससे पहले हमने वन से लेकर फिफ्टी तक क्वेश्चन की जो वीडियो आप पहले अपलोड कर कर रखी है यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना शेयर करना और कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी उम्मीद है कि आपको आने वाली जो वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस कर लें